नमस्कार, मैं सृष्टि त्यागी स्वागत करती हूं आप सभी का IMS टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। देश भर के बच्चों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने शुरू किया वर्चुअल स्कूल। मुख्यमंत्री ने कहा 9वीं से 12वीं तक की होगी पढ़ाई। आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे देश का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, OBC की 18 जातियों को SC लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन किया रद्द। मुरादनगर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 29 छात्राओं की फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी तबियत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए खर्चे का मांगा हिसाब। अर्थव्यवस्था में सुधार, पहली तिमाही में 13.5 का विकास दर। 5 गुना तेज होगी जीनोम एडिटिंग, कैंसर के उपचार में मिलेगी मदद, आइजर भोपाल के वैज्ञानिकों ने किया शोध। सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति गोबाचोव का हुआ निधन। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में कमी, कोलकाता में 100 रुपए, चेन्नई में 96 रुपए मिलेगा सस्ता। अंकिता हत्याकांड के दोनों आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। T20 रैंकिंग में हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पर, ऑलराउंडर रेटिंग में अकेले भारतीय। आज की ताजा सुर्खियों में बस इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए IMS टुडे के साथ। धन्यवाद।